खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कमलनाथ कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का संकल्प पारित करने के बाद अब दूसरा बड़ा प्लान तैयार किया है और बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने से इनकार किया है। सरकार ने साफ कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह का संशय बना है उसके बाद सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। जबकि प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के मामले पर कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में एनपीआर की अधिसूचना जारी होने के बाद सीएए जारी किया है और सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं की गई है। एमपी में जारी एनपीआर की अधिसूचना नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम के तहत है। इसके बाद सरकार ने अब तय किया है कि फिलहाल प्रदेश में एनपीआर लागू नहीं होगा। बता दें कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी थी कि एनपीआर का वो खुला विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी ये मांग की थी कि एनपीआर को लेकर गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाना चाहिए। अगर एनपीआर लागू किया जाता है तो इसके खिलाफ विरोध तेज होगा। भोपाल में 24 से 30 फरवरी के बीच बैठक कर सीएम कमलनाथ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जिस तरह से केंद्र सरकार ने एनपीआर को पूरे सेंट्रल में लागू करा, मध्य प्रदेश के अंदर भी गजट हो गया, क्योंकि जो एनपीआर है ये भी एनआरसी का एक छोटा पार्ट है। इन्होंने एनआरसी को तो कह दिया देश में लागू नहीं करेंगे, लेकिन एनपीआर के रूप में इन्होंने उसको लागू कर दिया। उसका हम सब लोग विरोध करेंगे और इस एनपीआर पर बहुत मंथन के बाद ये निकाला कि जो एनपीआर था ये पूरा पूरा एक इल्लीगल है, और इल्लीगल ऐसे है कि 2003 में एनपीआर बना, पार्लियामेंट से जो एनपीआर पास कराया सरकार ने उसमें अभी 6 रूल्स अलग से ऐड कर दिए, जो 6 रूल गैर संवैधानिक है, जिसलिए हम एनपीआर को रिजेक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, सरकार स्पष्ट कर रही है कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने सरकार कहीं भी जा रही है ये एक भ्रम है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर वह दिनांक 9 दिसंबर 2019 का है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जारी किया, उसके बाद का है। अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम 3 के तहत किया गया है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि मध्य प्रदेश में अभी एनपीआर लागू नहीं किया जाएगा।